गाइस, आज की वीडियो में लोग जानेंगे आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर होता है। आईपीसी मींस इंडियन पेनल कोड, आईपीसी को सब्सटेंटिव लॉ कहा जाता है, इसका हिंदी मतलब होता है मौलिक विधि। वहीं सीआरपीसी का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसको प्रोसीजरल लॉ कहा जाता है, इसका हिंदी मतलब होता है प्रक्रिया विधि। इन दोनों लॉ को आगे दो और कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है, एक होता है क्रिमिनल लॉस और एक होता है सिविल लॉस। क्रिमिनल लॉस को हिंदी में फौजदारी विधि कहते हैं, वहीं सिविल लॉ को हिंदी में दीवानी विधि कहते हैं। आईपीसी के अंदर में डिफाइन किया जाता है ऑफेंसेस को, यानी कि अपराध को, और प्रोवाइड किया जाता है उसके पनिशमेंट को। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंसान ने कोई अपराध किया है, अगर किसी का कोई मर्डर किया है, तो उस मर्डर के लिए क्या सज़ा होगी, ये आईपीसी के अंदर सेक्शन 302 में लिखा होगा। लेकिन सीआरपीसी उस पनिशमेंट को देने की प्रक्रिया बताती है कि किस तरीके से वो पनिशमेंट जो है उस इंसान को दिया जाएगा, उसका अरेस्ट किस तरीके से होगा, और उसके बाद उसको सज़ा किस तरीके से जो है मुकर्रर की जाएगी, और फिर उस अरेस्ट के बाद, उस सज़ा के बाद बेल की प्रक्रिया किस तरीके से होगी। तो ओवरऑल सीआरपीसी में आईपीसी के एडमिनिस्ट्रेशन और इसके प्रोसीजर के बारे में बताए गए हैं। आईपीसी को हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहा जाता है और उर्दू में ताज़ी राते हिंद भी कहा जाता है। आईपीसी के अंदर टोटल 511 सेक्शन हैं और 23 चैप्टर्स हैं। आईपीसी को इनैक्ट किया गया था 1860 यानी 1860 में, और आईपीसी हमारे देश में 1872 से लागू कर दी गई थी। वहीं सीआरपीसी को इनैक्ट किया गया था 1973 यानी 1973 में, और इसको हमारे देश में 1 अप्रैल 1974 से लागू कर दिया गया था। आईपीसी को थॉमस बेबिंगटन मैकाउले ने ड्राफ्ट किया था, इनको कॉमनली जाना जाता है लॉर्ड मैकाउले के नाम से। आईपीसी वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेनल कोड है, इससे बड़ा दंड संहिता पूरे दुनिया के किसी भी दंड संहिता का नहीं है। हमारे देश का इंडियन पेनल कोड सबसे बड़ा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और जितना हो सके उतना शेयर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर।